डोडा, बाकी ऑफिसर स्टाफ जो फॉरेस्ट के आए हैं, स्टूडेंट्स, आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। महात्मा गांधी नहीं लगता है पिछले वर्षों में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनको नहीं जानता, और आने वाले हजारों सालों में महात्मा गांधी को सब लोग जानेंगे, क्योंकि इन्होंने जो दुनिया को दिया वो बड़े कम लोगों ने दिया है। नेपोलियन के लिए कहा जाता था ही केम ही सॉ ही कॉन्कर्ड। मैं सुबह ही सोच रहा था महात्मा गांधी के लिए कहेंगे ही केम ही सॉ ही डिड नॉट कॉन्कर। उन्होंने दुनिया को एक नई नीति दी जिसको नॉन वायलेंस या अहिंसा कहते हैं। उन्होंने दुनिया को नीति दी प्रेम करने की, अपने जो लोग हैं समाज के, दुनिया के, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, पिछड़े हों, गरीब हों, मजदूर हों, तो उन्होंने सिखाया कि हर व्यक्ति जो है वो प्रेम के काबिल है। और जब हम अपने इर्द गिर्द अपने लोगों को प्रेम करते हैं तो समाज एक बेहतर रहने की जगह बन जाती है। और जैसे रविंद्र ने कहा पर्यावरण, ये जो पेड़ है ये भी हमारी तरह जीवित आत्माएं अगर हम कहें तो हैं, और अगर हम इनको प्रेम करेंगे तो ये हमें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। पेड़ धूप बारिश में खड़ा रहता है, लेकिन आपको फल, आपको छाव, आपकी जमीन को बचाने का काम ये सब करता है। तो ये सारे पिक्चर हमें सिखाता है। हम लोग कहीं ना कहीं वो सारी बातें भूल रहे हैं जो महात्मा गांधी जी ने अहिंसा की बात कही, वो भूल रहे हैं। आज उनका जन्म दिवस है, हम सब अपने हृदय द्वारा से जानके ये तय कर ले उनके जो रास्ते थे जो उन्होंने हमें बताए थे उस पे चले और अपने देश को, अपने समाज को बेहतर बनाए। आज अभी जैसे रविंद्र ने बताया कि स्कूलों में भी फंक्शन चल रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो फंक्शन ये केवल डांस ड्रामा और एक दिन का ना बने। आप सब लोगों ने कल जैसे बढ़ चढ़ के स्वच्छता ही सेवा में पार्टिसिपेट किया है, और हमने अपने ऊपर बीड़ा उठाया है नीरू को साफ करने का, अपने हर गांव को, हर सड़क को साफ करने का। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने उसमें मेहनत की है, लेकिन अभी बहुत काम करने की जरूरत है। मैं अभी नेशनल हाईवे से आ रहा था तो देख रहा था कि हमारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अपने इर्द गिर्द को साफ रखने में सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने है, सरकार ने नहीं कही है। मैं उम्मीद करूंगा कि कल जो स्वच्छता ही सेवा का कैंपेन है रविंद्र वो चलता रहे। 31 दिसंबर हमारी डेट होनी चाहिए पूरे डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल साफ और सुथरा करने की। फुलेल की टीम उसमें पार्टिसिपेट करे, पुलिस ने कल बहुत बढ़िया काम किया है वो पार्टिसिपेट करे। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच को बार बार चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं वो रहेगी, और पीपल्स पार्टिसिपेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी जी को नमन करते हुए और उनकी बातों से प्रेरणा लेने की बात करते हुए मैं आप सबको शुभकामनाएं दूंगा कि उनके बताए हुए रास्ते पे चल के आज डोडा जो पीस और तरक्की दिख रहा है उसको और आगे ले जाए। और मैं दिल्ली गया था तो लोगों ने मुझे पूछा आपको वहाँ डर नहीं लगता? डोडा एक खतरनाक डिस्ट्रिक्ट है, हमने सुना बड़े टेररिस्ट होते थे किसी जमाने में। मैंने कहा आइए रात को 12 बजे 1 बजे मैं और मेरा एसपी घूमते हैं ताकि हम लोगों को ये बता सके कि अब हम उस राह पे चल पड़े हैं जहाँ से पीछे मुड़ के नहीं देखना। मेरी तरफ से रविंद्र को बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आपने ये किया और इसको रेगुलरली करते रहिए। हम मिलके डोडा को सबसे खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।